मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल इले नहीं बट दुर्गेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पहले से ही ज्ञात है कि UPTET में जो मैथ के प्रश्न आते हैं वास्तव में उतने टफ या उतने कठिन नहीं होते जितना लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि उन्हें मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आपने हमारी गणित को पहले से ही पढ़ा होगा क्योंकि हमने पिछले शिक्षक भर्ती में UPTET में इतनी सरल तरीके से पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाएंगे भी, मतलब बिना किसी नियम, बिना किसी फॉर्मूले के एकदम ईजी वे में। और हम ये चाहते हैं यह सिलसिला और आगे जारी भी रहे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर, दुर्गेश सर, हम केवल और केवल आपसे गणित पढ़ना चाहते हैं, हम आपकी ऑनलाइन क्लासेज केवल गणित की वजह से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनको थोड़ी पहले समस्या हो जाती रही थी, मुझे भी हो रही थी कि उन्हें अलग से मैथमेटिक्स कैसे दिया जाए। और हमारे जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली है, तो यहाँ पे अमित सर और मेरी दोनों लोग की वीडियो जिन्हें प्राप्त होगी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों को जिनको केवल और केवल गणित में समस्या हो रही है, तो मैं गणित की क्लासेज ऑनलाइन प्रारंभ कर दूँ। एक बात है, दूसरी बात है, मैं गणित की क्लासेज को जो पढ़ाऊंगा उसके लिए मैंने जो सिलेबस है, जो तरीका है, उसे पहले से मैंने डिजाइन कर रखा है। मैं कैसे गणित पढ़ाऊंगा? सबसे पहली बात, मैं हर टॉपिक पे, पूरे टॉपिक पे जितने भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं उन सभी पे मैं आपको लेक्चर दे दूंगा। वो लेक्चर ऐसे रहेंगे कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, वो भी ट्रिकी तरीके से। मतलब गणित अगर आपको नहीं आता, अगर आप गणित में जीरो हैं, फिर भी आप गणित में इस बार 30 में 25 से प्लस कर कर आएंगे। अगर आपको गणित नहीं आती उस दशा में, मैं सबसे पहले जो पाठ्यक्रम पूरा आपका पूरा सिलेबस है, मैं उसे सरल वे में 2 से 3 तरीके से पूरी तरह से समझा दूंगा। एक काम, फिर दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मैं आपको डेली, अभी तो मैं समय सारणी नहीं जारी करूंगा क्योंकि उसके लिए लगातार लोगों ने निगाह गड़ाया हुआ है कि सर, दुर्गेश सर के अगला प्लान क्या है। तो मैं आपको एक नया टाइम टेबल दे दूंगा जिसमें लाइव आकर, चाहे जो पेड क्लासेज चाहे फ्री क्लासेज, वहाँ पर मैं गणित की डेली 15 से 20 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं पिछले इयर्स आए प्रश्नों को, देखिए वो ये चीज़ें पब्लिक नहीं होंगी क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया तो आपको भी तो कुछ लाभ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही की वजह से मैं खड़ा हूँ। और जो फ्री में क्लासेज मिलती हैं वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन की, क्योंकि मजबूरी ये है कि इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाओगे, कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ने की जगह थोड़ी सी धनराशि अगर हमें दे देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी और मैं कुछ और बेहतर कर पाऊँगा, क्योंकि आपको भी ये पता है कि आप भी अध्यापक होंगे तो आप तभी पढ़ाएंगे जब आपको कुछ पे होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ नहीं दे पाएंगे तो हम हमारे साथ जुड़कर नहीं काम कर पाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं आप पे करेंगे, कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन पे करेंगे या ऑफलाइन पढ़ेंगे और देंगे, ऐसा नहीं कि फ्री में कोई पढ़ेंगे या आप ही कोई सामान फ्री में आप लाते होंगे। तो अगर वो थोड़ी सी धनराशि अगर मुझे मदद कर देंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको गणित में वो चीज़ें दूंगा जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। और हाँ, मैं गणित की क्लासेज आपको पूरी, जो 17 चैप्टर है, 17 अध्यायों को मैं पूरा क्लियर करूंगा और मैं 17 अध्याय को आपको 12 अध्याय में कन्वर्ट कर दूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी, मैं प्रश्न जो सॉल्व कराऊंगा पब्लिक रूप से होगा, जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं वो नहीं भी ज्वाइन किए हैं, लेकिन प्रश्न को सॉल्व किस नियम से किया जा रहा है वो तो वही जान पाएंगे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने जो पढ़ाया है वो किन किन वर्षों में, जैसे हमने आज पहला अध्याय ले लिया संख्या पद्धति, तो मैंने आपको संख्या पद्धति पढ़ा दी। तो संख्या पद्धति पढ़ाने के बाद जो अगली समस्या आपके सामने जन्म लेती है वो ये होती है कि संख्या पद्धति को हमने पढ़ाने को पढ़ा दिया, अब क्या UPTET में अभी तक कैसे कैसे प्रश्न आए हैं उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। मतलब UPTET, BiharTET अन्य सभी राज्यों के जो पेपर हुए हैं वहाँ पे संख्या पद्धति से कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं, हमने परसेंटेज पढ़ाए, तो परसेंटेज में मात्र 4-5 प्रकार के प्रश्न अभी तक UPTET में पूछे गए हैं। तो हमें उन्हीं को पढ़ना है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा तरीके से सॉल्व करना है, कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है। गणित बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन आप जिस हिसाब से मेरी गणित आपने पढ़ाया, जिस हिसाब से आपने मुझे सराहना दी है, मुझे ये लगता है कि वास्तव में गणित में बेहतर पढ़ा दो। कि कभी कभी मैं भी कुछ लोग के जैसे खाली बैठा हो जो वीडियोज देखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि वास्तव में मैं एक खुद से गर्व होता है, मतलब खुद पे भरोसा होता है कि नहीं, वास्तव में गणित बेहतर पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं कोई नियम, कोई फॉर्मूला नहीं, एक एक नियम पे मैं पूरी साधारण ब्याज खत्म कर देता हूँ, एक ही नियम पे पूरा परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, जनसंख्या आधारित प्रश्न, आयत, वर्ग, त्रिभुज, क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न जो मेंसुरेशन के हैं, जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं, उसके बाद आयतन पर, इन सभी को मैं एक ही के फॉर्मूले पे ख़त्म कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए भी उतनी उपयोगी है। अगर फ्री में पढ़ाया जाए तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, लोग उतने मन से नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं सर एक घंटे की वीडियो कोई कैसे देखेगा, लेकिन अगर आप पे किए तो आप पूरी मेहनत से देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तभी तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं कि आप कहीं फ्री में पढ़ते हैं या आप कहीं फ्री में काम,
17 एम्प्लाई लगे हैं जो केवल प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं आपके, जैसे एक प्रश्न में चार विकल्पों का एनालिसिस करना, इन सभी को एनालिसिस करने के बाद जो प्रश्नों को तैयार करते हैं उनको कुछ पे नहीं करेंगे तो कल से नहीं आएंगे, अगर उनको सैलरी के समय से नहीं मिलेगी तो अगले दिन नहीं आएंगे। तो अगर आप हमारी मदद कर पाएंगे, ये छोटी सी मदद है, बहुत बड़ी मदद नहीं है, और उस क्लास का मैंने बहुत मामूली, अगर आप इंडिविजुअल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो केवल 1100 रुपये आपके लिए मैंने फी रखा है, मात्र 1100 रुपया, क्योंकि और यह आपको हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपकी GPTT की परीक्षा खत्म ना हो जाए। अगर आप सुपर TET के लिए भी पढ़ना चाहते हैं केवल मैथमेटिक्स, उसके लिए भी हमने 1100 रुपये निर्धारित किए हैं, यह शुल्क 1100 रुपये हैं जो आप एक सहायता के रूप में हमें दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपके धन से सबसे पहला काम मुझे कुछ एक कमरा बनवाना है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ अगर आप देखेंगे आपको वास्तव में लगेगा कि मैं दुर्गे सर से इतना कुछ लिया, मैं छोटा सहयोग करूंगा तो शायद मैं कुछ बेहतर कर पाता। ठीक, तो ये छोटी सी मदद है आपकी, अगर मदद कर भी देंगे तो अच्छी बात, नहीं करेंगे तो भी जो लोग रहेंगे उनको तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना बेस्ट देना है, इसलिए बेस्ट देना है, मैं खुद प्रशिक्षु हूँ, मुझे ये पता है प्रश्न कैसे आते हैं। और आपको भी जानकारी रहनी होगी कि हम लोग बिना किताब के 4-4, 5-5 राइडर किताबों को सशब्द गणित पूरी याद करके रखे, इसीलिए नहीं, इतनी प्रैक्टिस होगी, इतनी बार पढ़ाया गया है, तो हम ये चाहते हैं आप भी उसी तरह से हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। फिर आते हैं कि अगर आप 1100 रुपये देते हैं इसमें आपको हम क्या क्या देंगे, पूरी क्लासेज आपको, गणित की पूरी क्लासेज आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जो आपकी क्लासेज है वो हम पूरा आपको दे देंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हैं उनको पूरा हम आपको सोल्यूशन देंगे। कैसे, और एक तो सोल्यूशन कराएंगे एक साल का पेपर अलग से, वो पब्लिक होगा, लेकिन हम आपके टॉपिक बाई टॉपिक जो हल कराएंगे वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिर उसके बाद मैं आपको प्रश्नों की वो नोट्स दूंगा गणित की, उन प्रश्नों को भी मैं सॉल्व कराऊंगा और उनको आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो पूरा पैकेज अगर UPTT का आप लेते हैं, अगर UPTT का, तो हमने 3000 रुपये फी रखा है, 3000 रुपये में आपको पूरी कोर्स कंप्लीट कराएंगे जिसमें गणित भी सम्मिलित होगा, और मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आगे परीक्षा संपन्न ना हो जाए। ठीक, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हमें 3000 हम नहीं देंगे, हमें ऑनलाइन टेस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरी क्लासेज नहीं चाहिए, केवल कंप्लीट सिलेबस चाहिए, उसके लिए भी हमने 2000 रुपये निर्धारित किया है, और ये मामूली राशि है, ये आपके लिए मामूली राशि है। मामूली राशि इसलिए है क्योंकि हम आपके लिए आप को पूरी क्लासेस दे रहे हैं। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, अगर महीने के 60 रुपये किराया देते हैं तो 1800 रुपये किराया होता है आने जाने का, तो वह किराया से भी कम है, फीस की छोड़ दीजिए, किराया से भी कम, घर बैठे जितनी बार चाहे जब चाहे पढ़ सकते हैं। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट कोर्स तक इसमें, लेकिन इसमें हम आप अनलिमिटेड तक देंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा दिया तो इसका मतलब यह है कि हमारी टीम के उनको भी पे करेंगे तभी तो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हम अगर आपके लिए फ्री में पढ़ाएं तो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, आप ही क्या अध्यापकों में फ्री में पढ़ाएंगे, अगर फ्री में पढ़ाना होता तो क्या जरूरत थी UPTT की तैयारी करने की, आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ा सकते थे फ्री में, लेकिन आपको भी उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जहाँ आपको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिले, इस उद्देश्य से तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो जुड़े उनका भी तो ये उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं देंगे। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए बेहतर हूँ तो आपका मोस्ट वेलकम है। और हाँ, पर्यावरण की क्लासेज अगर आपको पूरी चाहिए विथ प्रैक्टिस सेट नोट्स, उसके लिए भी हमने 1100 रुपये निर्धारित किया है। यदि आपको केवल इन्वायरमेंट EVS का चाहिए तो वहाँ भी हमने 1100 रुपये रखा है, एक ऐसी धनराशि जिसमें हम आपको तब तक पढ़ाएंगे, डेली आपको 1-1 घंटे की क्लासेज देंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट देंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि आपको 30 में 28 ले जाना है, जिसमें NCERT SCERT अन्य सभी किताबों को लेक्चर देने के बाद प्रश्नों को सॉल्व कराना, प्रश्न कैसे आते हैं, और गेस्ट पेपर भी इस पैकेज में आपको हम गेस्ट पेपर भी देंगे। और आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी पर्यावरण आप देख लीजिए, जो भी पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद कंपेयर करिएगा कि वास्तव में दुर्गेश सर बेहतर पढ़ाते हैं अथवा नहीं। यदि आपको लगता है कि नहीं वास्तव में दुर्गेश सर बेहतर पढ़ाते हैं, उनके साथ आप गणित में सबसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं, पर्यावरण में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी नोट्स की। लोग कहते हैं ना कि वास्तविकता ही होती अपना आत्मविश्वास, अपनी आत्मबल या अपना हृदय जब ये कहता है, जैसे हम चोरी करने जाते हैं बार बार कहता है गलत है, क्योंकि ये वास्तव ही दिल की बात कहता है, वही बात कहता है जो सही होता है, और मेरी आत्मा ये कहती है मैं आपके लिए बेहतर करता हूँ, मेरे नोट्स हर परीक्षा के लिए बेहतर है, तो जो मेरी आत्मा का आवाज़ हो सकता है आपके लिए मजाक हो, बहुत सारे लोग अभी लाइक करेंगे, बहुत सारे लोग तरह तरह की टिप्पणियां करेंगे, लेकिन वो अपनी आत्मा में एक बार सोचेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। उंगली उठाना, किसी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत आसान है, उसके जैसा मेहनत करना, उनके जैसा अपना करना, यार नोट्स बनाने के लिए कई रातें कुर्बान करनी पड़ती है तब जाके नोट्स तैयार होते हैं। आप 25-25, 30-30 किताबें पढ़ेंगे तब कहीं जाके नोट्स तैयार होंगे। हम आपको दिखाएं गणित के लिए कितनी किताबें पढ़े हैं तब जाके नोट्स बनाते हैं आपके लिए, दिखा रहे, 1 मिनट रुकिएगा आप। ये देख लीजिए, ये केवल गणित के लिए है, देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं, ये गणित के, केवल गणित के लिए रखी गई ये किताब, यह किताब, यह किताब, यह किताब, अभी और हम दिखा रहे हैं,
केवल केवल हमने गणित के लिए आपके लिए रखा हुआ है। ये देखिए ये दोनों बुक, ये केवल केवल गणित के लिए है, इसलिए नहीं ताकि मैं आपके लिए एकदम सरल सरल विधियां ढूंढ सकूं, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके समझा सकूं, इतनी सरल वे में समझा सकूं ताकि आप जब भी परीक्षा में जाएं तो आपको ये ना लगे यार ये प्रश्न कैसे लगेगा, इसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं था ये तो प्रश्न। क्योंकि होता क्या अमूमन जब हम गणित पढ़ाते हैं तो अकॉर्डिंग सब गणित पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मामला ये होता है हम खुद एक अभ्यर्थी हैं तो मुझे ये पता है प्रश्न कलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, इसे किस टर्म में आपको समझाना है। बहुत सारे लोग आई एस पी सी जो चलाते थे वो भी चला रहे हैं UPTT, जो रेलवे चलाते थे वो भी चला रहे हैं UPTT, लेकिन मैं आपको केवल UPTT CTT SuperTT पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी इसका क्राइटेरिया कितना है। फिर और EVS की बात करें, EVS किताबें आपको दिखा देते हैं। लोग कहते हैं ना सर कि हम कैसे पढ़ें, आपके नोट्स कहाँ देखे, ये देखिए देख रहे हैं, एक दो घटना चक्र की थी, ये भी देखिए, मतलब मैं आपके लिए शॉर्ट मैटर जो निकलता हूँ इतनी किताबों से मिलाने के बाद, इसलिए मैं आपको दिखाना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न आते। देखिए ये किताब है, ठीक, ये देखिए SCERT है, देख रहे हैं ना, कक्षा छः का भूगोल, फिर कक्षा आठ की भूगोल, देखिए इन सब का संयोग मिलाने के बाद देख रहे हैं हिस्ट्री है, फिर देखिए कक्षा आठ की हिस्ट्री है, ये देख रहे SCERT पूरा, ये देखिए पूरी NCERT किताब है, पूरी NCERT है, इन सभी को मिलाने के बाद तब हम जाके आपके लिए मैटर खंगाल पाते हैं। मतलब अगर आपको मेरी नोट्स पढ़ना, मतलब इतनी किताबों को आपने खंगाला है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं अपने नोट से 30 के 30 प्रश्नों को उलझा के रखूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं अपनी पूरा बेस्ट देता हूँ, ठीक, तो कहीं ना कहीं 30 तो नहीं लेकिन 25 प्लस सदैव रहा है ये इतिहास रहा है। जब भी क्योंकि मैं जब से लगा हूँ इस रेस में मेरे पास एक बड़ा अनुभव रहा लंबा, मैंने भी कई परीक्षाएं क्रैक की और मैं भी आपके तरह सामान्य था, सामान्य हूँ, सामान्य रहूँगा, बस इसलिए मैं आपके सामने आऊँ कि कहीं ना कहीं आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके सहयोग कर देंगे तो मैं भी एक बेहतर कर पाऊंगा। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके रखे होंगे तो उनको भी उम्मीद थी क्योंकि मैं जल्दी ही, क्योंकि अगर आप मेरी मदद कर पाएंगे तो मैं कमरा बेहतर बनवा पाऊंगा और मैं बेहतर तरीके से प्रतिदिन आपके लिए डेली वीडियो चला पाऊंगा। ये बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, इतनी तपन होने के बाद भी मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ बस इस उम्मीद से कि आप कुछ बेहतर कर जाए। तो केवल मैथमेटिक्स को पढ़ा होने के लिए मैंने इतनी किताबें अभी आपको मैंने दिखाया, ये तो उस जगह है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी अपने घर किसी दिन आपको दिखाऊंगे, चार चार अलमारी मैंने किताबें भर कर रखी है। पता है किताबें माने नहीं रखती, माने रखता कंटेंट क्या है, आप खरीद के लाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया कि लिखित के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कोई बता दिया चलिए सर आपको कौन सी लानी है, मैथ्स कुमार बरमाल की, आप गए लेते हैं पूरा पढ़ा, लेकिन मैं क्या करूँगा इस पूरी किताब से कुछ कंटेंट ही बेहतर निकालूंगा जो परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। इसलिए पर्यावरण और मैथमेटिक्स जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसमें मैं 100% आपकी गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको अंतिम रूप से उतने मार्क अर्जित करवा दूंगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन हाँ, आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेरे साथ एडमिशन ले लिया आपका काम खत्म, मैं आपको पास करवा दूंगा, ऐसा मेरे पास कोई शरबत नहीं है मैं आपको घोल के पिला दूंगा। आपको भी मेरे साथ अपनी जिंदगी का बेस्ट देना होगा। इस उम्मीद से अगर मैं आपको 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो 4 घंटे पढ़ने का आप जुनून रखिएगा, क्योंकि सफलता लगातार जो आगे आने वाली है वो एक क्रमिक विकास के रूप में है, मतलब लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, उसके लिए मेरे साथ आपको भी बेहतर देना होगा। तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इल निबित के साथ जुड़ना चाहिए मेरे साथ आपको जुड़कर, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट केवल केवल आपको मैं पढ़ाऊंगा और इस बात की गारंटी आप जानते हैं कि मैं पर्यावरण कैसा पढ़ाता हूँ, आपको ये भी पता मैं मैथमेटिक्स कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए, अगर आप दोनों पैकेज एक साथ लेते हैं तो आपको मात्र हमने जो कोर्स का पे रखा है वो दोनों कोर्स अगर आप संयुक्त रूप से अगर आप लेते हैं परचेज करते हैं तो उसके लिए 2000 रुपये, और जिसमें हम पूरा अंतिम रूप से हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। इसके लिए कितना मेहनत हमें करना, हमारे साथ साथ जो मेरी टीम मुझे टिक करने होते हैं वो प्रश्नों को पूरा टाइप करना, उसको प्रिंट करना, फोटो क्लिक करना, बड़ी समस्याएँ होती हैं तब जाके हम आप तक पहुँचते हैं। हम एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्पों का एनालिसिस करते हैं तब हम आप तक पहुँचा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रश्न उठाया आपको दे दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे अपना भंडार गिरी बढ़ना, बस मेरा उद्देश्य ये है आपको अंतिम रूप सफल करना, क्योंकि जिस नाते मुझे आप जानते हैं उस नाम को उस बात को मुझे बरकरार रखना है, क्योंकि मैंने तो शुरुआत की है और मैं क्या करता हूँ ये शुरुआत, वो कहते हैं कि अगर जिस उम्मीद से आदमी शुरुआत करता है अगर उसी लगन से काम समाप्ति तक मेहनत करता है तो सफलता उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं उस स्तर पर था जिस स्तर पर आपने सोचा नहीं था। तो आज मैं यहाँ हूँ, आप मुझे उतना सम्मान देती है मेरे लिए गर्व की बात है। इसलिए आपको यदि लगता है मैं बेहतर हूँ,
आप मेरे साथ जुड़ना चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है। और रही बात बातें करने की, तो बातें बहुत सही है, टिप्पणी करने की तो बहुत सारी है। आप बहुत सारे आप ही लोग अभी में से जो पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है मेरी ऑनलाइन क्लासेस से, उन्हें क्या समस्या मैं नहीं जानता कि उन्हें इस बात का बड़ा बुरा लगता है कि फ्री में चलाए आप टीचर बनेंगे आप फ्री में पढ़ाएंगे, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता यार। वाईफाई लगाओ अगर पेमेंट नहीं करते समय वाईफाई कार्ड कनेक्शन काट देते हैं, पानी का पैसा आता सर पानी देते हैं उसका भी 20 रुपये बाटल का लगता है, लेकिन आप लोग कहते हैं आपको फ्री मिल जाए। फ्री में जो नोट्स आते हैं मैंने देखा है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो इसी तरह आते टहलते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता मेरे नोट्स मेरी मेहनत इस तरह से बिना बेकाब का बिना बेनाम किस तरह ठहरे। इसलिए अगर आपको छोड़ना है तो आप सहायता, क्योंकि पता है अगर आप थोड़ा सा पे करेंगे तो आप भी मेहनत से पढ़ेंगे, और ना भी क्या करेंगे वीडियो देखे स्किप कर देंगे। और बहुत सारे लोग किताब सामने रख लेते उसी को पढ़ाते हैं, सामने आके फेस करके पढ़ाएं, दो यहाँ लिख कर लाएंगे, जितना लिखेंगे बस उतना डिफाइन, उससे ज़्यादा डिफाइन नहीं करते। बस मैं इस उम्मीद से आपके सामने आऊँ कि आप अपना बेहतर दें, मैं भी अपना बेहतर दे रहा हूँ। आज से मैं गणित की क्लासेस शुरू कर दे रहा हूँ, अगर आपको जुड़ना है जब चाहे आप जुड़ सकते हैं, जिस दिन चाहे जुड़ सकते हैं, और कल से EVS भी शुरू कर दूंगा, एकदम बारी बारी से एकदम क्रम बाई क्रम में आगे बढ़ूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जरूर जुड़ेंगे, अपने सभी साथियों को जुड़ेंगे, क्योंकि आपका जुड़ना मेरे लिए सहयोग जैसा है। देख रहे पूरा पसीना टपक रहा है, देख रहे इसी वजह से नहीं कि आप मेरी मदद कर पाएंगे तो हम भी एक अच्छा सा रूम बनवा लेंगे, ठीक लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था कर लें, दो तो फैन लगवा लेंगे। बस इस उम्मीद से मैंने पेट क्लास चले कि मुझे पता कहीं ना कहीं पढ़ेंगे पे करेंगे तो अगर मेरे साथ जुड़ेंगे कहीं ना कहीं मेरी मदद कर पाएंगे। बस इसी उम्मीद से मैं आपके सामने आया था। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपका आत्मा जाने, लेकिन मैं आपको जल्द ही कामना करता हूँ। और बेस्ट ऑफ लक, आप जुड़े या ना जुड़े आपको हम प्रैक्टिस सेट के लिए कराते रहेंगे प्रैक्टिस सेट सब। लेकिन थोड़ा लोग इतराज करते हैं सर आप सभी को ना दीजिए क्योंकि हम लोग पे किए हैं। तो फिर फिलहाल यदि आपको बेहतर लगता है तो आपका मोस्ट वेलकम, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके अंदर लगता है कि नहीं इंसानियत है, दुर्गेश सर ने सही कहा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वैसे आपकी आत्मा आपका हृदय जो कहेगा वो करिएगा। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।